हेलो दोस्तों, मैं सुनीता। आज आप लोगों को ऐसे प्लांट बताऊंगी जो अभी लगाने से गर्मी में ढेर सारे फूल देंगे और आपकी गार्डन की शोभा बढ़ाएंगे। ये है मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट। ये अलग वैरायटी है। इसके फूल थोड़े छोटे होते हैं पर बहुत ही प्यारे होते हैं। इस समय आप इसे बीज से ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये कटिंग से लगाए हैं और ये लग गई है। आप देख रहे हैं इसमें फूल भी आ गए हैं और आगे भी कलियां है इसमें। दूसरा ये गलेडिया है। इसे भी आप अभी बीज से चाहे पौध ला के लगा दीजिए तो गर्मी में खूब भर भर के फूल आएंगे। वैसे तो मेरे अभी भी इसमें आ रहे हैं, काफ़ी फूल है इसमें, पर पूरी गर्मी अगर इससे फूल लेनी है तो अभी आप इसे लगाइए और देखिए आपकी गार्डन की सुंदरता कितनी बढ़ जाती है। ये चांदनी है, ये भी गर्मी में खूब फूल देता है। सर्दी में थोड़े फूल इसके कम हो गए थे और पत्ते झड़ गए थे और अभी इसने फिर से ग्रोथ पकड़ ली है और फूल आ रहे हैं। अगर आपको भी इसी तरह से फूल चाहिए तो पक्का आप नर्सरी से जाके इसे खरीद के लाइए, खूब फूल मिलेंगे आपको पूरी गर्मी। ये इफोबिया मिली का प्लांट है, ये भी गर्मी में ही फूल देता है। इस टाइम में अगर आपको मिल जाए नर्सरी में तो आप ज़रूर खरीद के लाइए। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। ये येलो कलर, वाइट कलर और डार्क रेड, पिंक, इन सब कलरों में मिलती है। इसके प्लांट में कांटे होते हैं थोड़े। लोग इसे घर के बाहर ही लगाते हैं और ये घर के बाहर ही चलता है क्योंकि इसे धूप चाहिए, धूप में ही ये खिलते हैं। ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर इसका फ्लावर है। ये देखिए, ये विंका है, ये देसी है। इसमें वाइट कलर की भी आती है और हाइब्रिड में तो अलग अलग कलर के आते हैं। ये भी गर्मियों में खूब फूल देता है। इस टाइम में आप बीज से लगाइए चाहे नर्सरी से लगाइए। देखिए कितना सुंदर फूल है इसके। दोस्तों, आप अगर अपने गार्डन में फूल गर्मियों में चाहते हैं तो ये हिबिस्कस का प्लांट ज़रूर लगाइए। ये परमानेंट प्लांट है और इसकी कटिंग अभी लगा दीजिए तो भी ये गर्मी में फूल दे देगा। नर्सरी में भी ये आसानी से मिल जाती है। इसके कई रंग होते हैं। मेरे पास ये पिंक है, रेड है और ये आप देख ही रहे होंगे कि पिंक में कितने सारे फ्लावर निकले हुए हैं। इसकी केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और अगर किसी के पास पहले से ही ये पौधा है, जैसे मैंने ये लगाया है, तो इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, हार्ड प्रूनिंग, तो ये जितनी ही ब्रांचेस देगा उतने ही इसमें फूल आएंगे। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये कृष्ण कमल की प्लांट है। इसे पेशेंस फ्लावर, राखी फूल भी कहते हैं। इसमें पर्पल कलर, रेड कलर और वाइट कलर के फूल आते हैं और पूरी गर्मी इसमें फूल आते रहेंगे। इसकी बेल होती है, आप देख रहे हैं, ये गेंदे को पकड़ के मैंने बाहर लगाया है, अंदर भी है मेरा, ये पकड़ के फैला जा रहा है और बहुत ही सुंदर फूल होते हैं इसके। नर्सरी में इसमें 150-200 में मिल जाता है, जैसा प्लांट होता है इसका। ये गुलाब का पेड़ है, ये भी परमानेंट प्लांट होता है और ये गर्मी में खूब फूल देता है। फरवरी से स्टार्ट हो जाती है और पूरी गर्मी अच्छी फूल देता है। ये आप देख सकते हैं, मेरे पास ये देसी वैरायटी है। इसमें भी अलग अलग कलर आते हैं, हाइब्रिड आते हैं। आपको जो उचित लगे, वो जो पसंद आए वो ले सकते हैं आप। ये भी एक अच्छी प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट। इसके अलावा पर्सलेन और प्रचुलका भी होते हैं। ये भी आप गर्मी में लगाइए तो पूरी गर्मी आपको फूलों से भर देगा और कहीं भी छोटी सी कटिंग भी मिल जाए तो ये आसानी से चल जाती है। ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है, ये गर्मी में खूब फूल देते हैं। ये सर्दी वाली भी आती है लेकिन ये मेरी गर्मी वाली है। अभी इसको लगाए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और देखिए इसमें कलियाँ आ गई है, फूल भी है। इसके अलावा मैरीगोल्ड भी है। मैरीगोल्ड दो टाइप के आते हैं, एक सर्दी वाली और एक गर्मी वाली। तो मेरे तो ये सर्दी वाली है लेकिन नर्सरी में आपको गर्मी के मैरीगोल्ड भी मिल जाएंगे और वो आप खरीद के लगाए तो गर्मी भर आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएंगे, आपकी गार्डन की खूबसूरती बढ़ाएंगे। तो ये सारे प्लांट मैंने आप लोगों को बताया है, वो अभी लगा देने से आपको गर्मी में फूलों की कमी महसूस नहीं होगी और आपके गार्डन फूलों से भरा रहेगा हमेशा पूरी गर्मी। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और
पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।